सबसे पहले देखो कर, अच्छा चैप्टर रिकॉर्ड कर लें एंड देन वील गो टू द पॉइंट. अच्छा गाइज, आप लोग ना अभी हम बेसिकली ये करेंगे कि हम इन्वायरमेंटल साइंस का एक कोई ऐसा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसके अंदर मेजर हेडलाइंस वगैरह कवर हो जाएं, और उसके बाद हम जो हमारा वो है ना एनालिटिक एबिलिटी वाला जनरल साइंस वाला पार्ट पोर्शन, उसमें कोई एक एक आधा और कोई चीज हम एड्रेस करते हैं. ठीक है, सो प्राइमरीली द क्लास इज गोइंग टू बी डिजाइंड एज दैट दे आर गोइंग टू बी टू थिंग्स. फर्स्टली हम थोड़ी बहुत बात करेंगे अबाउट एनवायरमेंटल साइंस, उसके अंदर जो हेडिंग्स होंगी, जो भी उसके मसाइल होंगे डिफरेंट, उनको हम स्टडी करते हैं. उसके बाद हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पोर्शन है उसके अंदर जो लेक्चर टू मैंने कल शेयर किया था उसमें हम थोड़ी सी उसकी स्टडी करेंगे कि हाउ थिंग्स वर्क इन देयर. अच्छा जी, we'll move on basically. okay, so environmental में सबसे बड़ा जो threat है ना guys, जो सबसे बड़ा hot topic है, जो सबसे बड़ा issue है overall, वो है अच्छा, so environmental जो सबसे बड़ा issue है primarily वो है basically pollution का, right? Okay, so we are going to describe what the pollution is. Then there are some fundamental things jo har pollution ke question mein, whether it's in current affairs, whether it's in Pakistan affairs, whether you it is an everyday science stuff, wo pollution mein aap kuch stuff likhenge. Phir kuch stuff hoga jo specific hoga question ki diagnosis ke lihaz se, that is like in air pollution or water pollution or landfills jitne bhi hamare masail basically. Pollution जो है ना ये लैटिन ज़मान का वर्ड होता है, इसका मतलब होता है टू कंटामिनेट. ठीक है, आगे हम पोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पोल्यूशन किस टाइप में पे फॉल करती है, उसको सॉल्व करना या उसको एड्रेस करना उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोल्यूशन जो है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ आवर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड पोल्यूशन. ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें जिनके अंदर अनफेवरेबल अल्टरेशन हो, ऐसी अल्टरेशन हो जो हमारे फायदा ना दे नुकसान दे, इस अल्टरेशन को, इस आमेजिश को बेसिकली ओवरऑल पोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, अब हम सीधा आते हैं असली बात की तरफ. वो ये है कि पॉल्यूटेंट्स की ना काफी ज्यादा टाइप्स होती हैं. ठीक है, कुछ होते हैं हमारे पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और कुछ होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. पॉल्यूटेंट वो सब्सटेंस होता है, वो चीज होती है जो किसी भी दूसरी चीज को अंदर इन्वॉल्व होके उसको खराब करती है. ठीक है, जो 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 सब्सटेंस जो हमें नहीं चाहिए, दैट इज द पॉलिटेंट. सो वील हैव प्राइमरी पॉलिटेंट एंड देन वी हैव सेकेंडरी पॉलिटेंट्स. प्राइमरी पॉलिटेंट्स वो होते हैं जो इमीडिएट पोल्यूशन के चीजें हमारे पास इन्वायरमेंटल में डिस्चार्ज हो. ठीक है, इस तरह एक आप लोग स्क्रीन पे देख सक रहे होंगे, एक पिक्चर है उसमें कह रहा है यार कुछ नेचुरल पॉल्यूटेंट्स हैं, कुछ कुछ आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट्स हैं. मोबाइल मोबाइल से मुराद यहाँ पर मोबाइल कार है, कि कार की वजह से हो सकती है. स्टेशनरी एक ही जिसका सोर्स होता है, अगर सोर्स स्टेशनरी हो तो स्टेशनरी, अगर सोर्स मूव अराउंड कर सकता हो तो सोर्स मोबाइल हो जाता है. सो ये एक एक तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है जो के माहौल में जाके माहौल खराब कर रहे हैं. इससे बड़ा मसला पता है गया है, जो असल मसला है वो इससे बड़ा, इससे स्केल का मसला ये है कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि बिल्कुल ही कोई चक्कर नहीं है, मतलब जो कि आप समझ ले हमारे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ह्यूमन क्रिएशन है. वो बहुत ज्यादा सख्त कंपाउंड्स भी होते हैं, इन अ सेंस दे आर हार्ड टू ब्रेक अप. दूसरा, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस भी होते हैं. ठीक है, So, वो जो एक मसला ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का होता है. अच्छा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो हमने खुद एयर पोल्यूशन की अगर बात करें तो एयर में या लैंड में जो हम दे रहे हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड. जब वो ऊपर जाते हैं इन अ सेंस कि वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो फिर उससे क्या बन सकता है गाइस, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के ऊपर लिखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सारी चीजें. सो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स थे वो इन द प्रेजेंस ऑफ हाई सनलाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एनी गुड केमिकल, इन द प्रेजेंस ऑफ गुड नाइट्रोजन, दे रिएक्ट टू फॉर्म मोर हार्मफुल कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, अच्छा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम फ्रॉम द डायरेक्शन अमंग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स. प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, उनका कोई केमिकल रिएक्शन होता है और कोई ऐसी चीज बन जाती है जो कि बिल्कुल ही हमारे स्कोप से बाहर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. उसके बाद एक और मसला भी है, एक मसला ये है कि कुछ पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो क्वांटिटेटिवली
मैटर करते हैं, कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटेटिवली मैटर करते हैं. क्वांटिटेटिवली, जैसा कि नाम से साफ जाहिर है, उनकी क्वालिटी वो तब ज्यादा हार्मफुल होते हैं जब वो खास एक मिकदार से ज्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ आप फर्ज करते हैं अगर एक जगह पे सल्फर है, ठीक है, तो वो इट्स ओके, पानी में सल्फर हो सकता है, नॉर्मल पानियों में सल्फर होता है. और अहमदाबाद जो हमारा शहर है, इसमें भी यासी मस्जिद जो थी, इसके इसका जो पानी था उसमें वो उसमें हाई सल्फर का कंटेंट था, ठीक है, इसलिए स्किन की बीमारियां शमारियां भी लोगों में दूर हो जाती. तो वो एक खास अमाउंट में होता है, वो ठीक होता है, उससे फिर बहुत लाइफ लॉन्ग पीने से उसको कुछ मसाइल पैदा होते हैं, किडनी के अंदर स्टोन हो जाते हैं या इस तरह एक और इशू हो सकता है. लेकिन फर्ज करें अगर वो सल्फर का पार्ट्स पर मिलियन, अच्छा पीपीएम, प्लीज गाइज नोट कर लें, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, ये स्टैंडर्ड एक यूनिट होता है जो यूज करते हैं एयर पोल्यूशन के अंदर, ये वाटर के अंदर भी यूज हो सकता है, ठीक है. यानी कि अगर मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, पीपीएम. हमारे पास जो चैट चल रही है, चैट में मैं लिख देता हूँ. जी जी बताएं प्लीज, समबडी हैड अ क्वेश्चन. खजर, यू वांट टू से समथिंग? सर, ये मैं पूछना चाह रहा था, ये जो सेकेंडरी मतलब जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, इनकी वजह से एसिड रेन हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं? एब्सोल्युटली. अच्छा एसिड रेन, ना एसिड रेन हम इधर नोट कर लेते हैं, एसिड रेन भी मेरे पास है ये चीज, एसिड ऐसा. हम एसिड रेन थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, ठीक है. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एसिड रेन का क्या मसला होता है, और वो स्लाइड भी एक मैंने बनाई हुई है, उसमें आ जाएगा. ये मैं सारी स्लाइड्स इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूंगा, यू गाइस वुड आल्सो हैव द एक्सेस टू स्लाइड्स इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज नॉट देयर, ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद आकी चीज पार्ट्स पर मिलियन, बिल्कुल ठीक. अभी एसिड रेन खजर हम इस पे वापस आते हैं जब हम मजीद पॉलिटेंट्स को स्टडी करते हैं, अभी हमें क्वांटिटेटिव पॉलिटेंट्स. अच्छा क्वांटिटेटिव पॉलिटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक खास लेवल, एक खास थ्रेशोल्ड, एक खास मिकदार से ज्यादा हो जाते हैं तो उनका बहुत डैमेज होता है, ठीक है. जिस तरह आप लोगों को आइडिया होगा कि नींद की जो गोलियां होती हैं वो लोग नॉर्मल ले सकते हैं, नींद की गोलियां लोग खाते हैं, अच्छी नींद आ जाती है, पीपल यूज इट फॉर एंटी स्ट्रेस, एंटी एंजाइटी, फॉर अदर स्टफ. अगर आप बहुत सारी नींद की गोलियां इकट्ठी खा लेना तो बंदा मर जाता है, ठीक है. इस तरह लोग खुदकुशियां करते हैं मोस्टली. अब ये बताने का मकसद ये नहीं था कि आप लोग मतलब उस साइड पर सोचना शुरू कर दें, मकसद ये है कि भाई ये एक खास क्वांटिटी से जब जो चीज ज्यादा ट्रेवल करती है तो उसका मसला है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव पॉलिटेंट्स. फिर कुछ होते हैं क्वालिटेटिव पॉलिटेंट्स. क्वालिटेटिव पॉलिटेंट्स कौन से होते हैं? ये मोस्टली ना नेचुरल चीजें नहीं होती, ये मैन मेड चीजें होती हैं, ठीक है, लाइक प्लास्टिक, लाइक कॉन्क्रीट, लाइक आप समझ लो टारकोल, ये जिस तरह की ये जो चीजें हैं ना सारी की सारी, या आप सुनो कि देयर इज समथिंग अननेचुरली, कोई फ्लेवर ऑफ कलर है कोई, ठीक है, वो जो टॉक्सिसिटी है ना वो नेचर में उस तरह एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो आपने पास से बना के डाली, वो आप थोड़ी सी भी डालें ना तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने, हाँ अब कपड़ा डाई करने के लिए ना मोस्टली जो एसिड यूज होता है उसे कहते हैं अमोनिक एसिड, ठीक है. उससे नॉर्मल टेक्सटाइल के कपड़े, टेक्सटाइल का फाइबर कलर बदलता है, ये वो इस तरह, वो कपड़ा डाई करने के लिए ये एसिड यूज होता है. नाउ व्हाट दे एक्चुअली, अब ये एसिड जब हम किसी भी नहर, किसी भी दरिया में डालें ना तो नेचुरली ये एसिड इतनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. अब जब ये आर्टिफिशियली मैनमेड आपने उसमें डाल दिया तो फिर आपका बहुत ज्यादा वो सारे का सारा पानी करप्ट हो गया, ठीक है. नाउ पानी का पानी पोल्यूट हो गया, पोल्यूट इज अ बेटर वर्ड. नाउ दिस इज हाउ थिंग्स कैन बी डन. नाउ दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन इज नोन एज द क्वालिटेटिव पोल्यूशन, ठीक है. क्वांटिटेटिव पोल्यूशन क्या है? नेचुरल भी कोई चीज हो सकती है एक खास लेवल से ज्यादा, वो खास लेवल से कम हो तो उसके ऑलमोस्ट निग्लिजिबल इफेक्ट होते हैं. क्वालिटेटिव पोल्यूशन वो होती है कि एक ऐसी चीज जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती थी और आपने पर्सनली इंट्रोड्यूस कर दी, ये फिर अब उसके खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, दैट इज वेरी सैड, ठीक है. दैट इज नेम ऑफ द क्वालिटेटिव पोल्यूशन. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया ओके. अब नेचर के अकॉर्डिंगली ना दो तीन तरह की पोल्यूशन होती है, ठीक है. अच्छा वो दो तीन तरह की पोल्यूशन कौन सी होती है, ये अब तीसरी बात अब स्टडी करें. पहली बात हमने बेसिकली क्या स्टडी की कि पॉल्यूटेंट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. अकॉर्डिंग टू आवर ओन पोल्यूशन रिकॉर्ड देयर आर टू टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, फर्स्टली प्राइमरी
एंड द सेकेंड आर सेकेंडरी. प्राइमरी जो हम डायरेक्टली क्लाइमेट में इंजेक्ट करते हैं, सेकेंडरी जो उनकी आपस में रिएक्शन से कोई चीज बन जाए. बिल्कुल से. दूसरी हमारे पास बात ये आ गई कि भाई एक होते हैं क्वालिटेटिव पॉलिटेंट्स, एक होते हैं क्वांटिटेटिव पॉलिटेंट्स. क्वांटिटेटिव वो जो एक खास मिकदार को क्रॉस कर रहे हैं, खास थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर रहे हैं तो ही वो काम कर सकते हैं. अगर वो खास थ्रेशहोल्ड को क्रॉस ना करें तो इट्स ओके, उनका ऑलमोस्ट निग्लिजिबल इफेक्ट होता है. लोग उनको प्रेफर भी करते हैं, हो भी सकता है ठीक है कि लोग उनको लाइक करते हैं उस चीज को. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज, हाँ इफ देर इज पोटेशियम इन वॉटर, तो पोटेशियम जो होता है ना वो ब्लड प्रेशर कम करता है, तो लोग वो पानी पीना चाहते हैं जिसमें पोटेशियम. पोटेशियम एक खास हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर को इतना कम कर देता है कि ना लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर आपको, आपका प्रॉपर बीपी लो हो जाता है, आपका हार्ट रेट ही स्लो हो जाता है, आप बड़े सीरियस किस्म के मरीज हो जाते हैं. तीसरी अब हम बात करें, अब अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्पोजल, कि डिस्पोजल की जो नेचर है उसके लिहाज से भी दो टाइप्स होते हैं पॉलिटेंट्स की. फर्स्ट कौन सा होता है, बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल गाइज वो वाले पॉलिटेंट्स होते हैं जो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाते हैं. ठीक है, आप समझ लो कि अगर हमारे पास जो किचन का गार्बेज होता है ना जितना भी, वो बायोडिग्रेडेबल होता है. ठीक है, बायोमास जो होता है, ह्यूमन वेस्टेज जितना भी होता है या कुछ जानवरों का और वेस्टेज है, ये तमाम का तमाम बायोडिग्रेडेबल. यानी कि आप इसको नेचर में थोड़ी देर फेंकते हैं या समंदर में फेंकते हैं या पानी में फेंकते हैं या जमीन में दबा दें, ये खत्म हो जाता है कुछ उससे बाद. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिटेंट्स होते हैं ना वो बहुत डेंजरस होते हैं. सबसे बड़ी जिंदा मिसाल उसकी दुनिया में क्या है जी, प्लास्टिक. प्लास्टिक जो होता है वो 100 साल बाद भी अगर प्लास्टिक निकाले ना जमीन से तो वो वैसा ही होता है, वो डिग्रेड नहीं हो सकता. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हैविंग समबडी एज अ बायोडिग्रेडेबल थिंग. थैंक यू सो मच. सो दिस इज वन ऑफ द सर. जी जी प्लीज बताएं. एक्सक्यूज मी सर, बायोडिग्रेडेटिव पोल्यूटेंट वो होता है जो खत्म हो जाता है कुछ अरसे बाद. हाँ जी, उसको जमीन में अगर दबाए ना या अगर उसको पानी पे भेजे तो वो थोड़े अरसे बाद खत्म हो जाता है. मीनिंग फर्स्ट करते हैं, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. किचन का जितना भी कचरा होता है, वो फ्रूट वगैरह के छिलके और ये सब कुछ जो भी होता है किचन में, मोस्टली आपने जो अगर मुर्गी साफ की थोड़ी वो चर्बी थी, वट एवर द केस वॉज, किचन का जो गार्बेज होता है उसको अगर नेचर में फेंके तो वो कुछ अरसे बाद मट्टी बन जाता है, राइट. या अगर उसको मट्टी में दबा दें तो 5-10 वीक्स बाद वो एब्सोल्युटली मट्टी होगा, आपको पता नहीं लगेगा वो कौन सा गार्बेज कहाँ गया, वो कहाँ गया. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ना उसको आप 25-30 दफा मतलब जमीन में दबा दें, उसको आप 1-2 साल बाद भी निकालें, वो वैसे का वैसा होगा, एब्सोल्युटली उसे कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, मीनिंग कि अगर प्लास्टिक का आप कंटेनर लें उसमें कुछ भी डाल के जमीन में दफन कर दें, वो बहुत जल्दी जमीन नहीं खा सकती, उसको डिग्रेड नहीं कर सकती. ठीक है, सो बायोडिग्रेडेबल वो ऐसे तमाम पॉलिटेंट्स होते हैं जिनको जमीन थोड़े अरसे के बाद या नेचर कुछ अरसे के बाद क्रोसिव कर ले, उनको अपने साथ शामिल कर ले. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनका कुछ भी नहीं हो सकता. बायोडिग्रेडेबल पॉलिटेंट्स कौन से हैं गाइस, कॉटन, क्लोथ, वूल, वुड, पेपर, ये सारे के सारे हैं जो नेचुरली खत्म हो जाते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हमारे पास, वो आ गया मर्करी, ग्लास, सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. कुछ प्लास्टिक्स दुनिया में ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मोस्टली प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ठीक है, ये प्लास्टिक का बहुत बड़ा मसला है, इसलिए प्लास्टिक को रिसाइकल करने का बहुत ज्यादा इशू. ठीक है, आई होप थिंग्स आर बेटर नाउ, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ना, ओरिजिन के लिहाज से दो किस्म के पॉलिटेंट्स फिर होते हैं. एक होते हैं जो फिजिकली पार्टिकुलेट नेचर के होते हैं. पार्टिकुलेट नेचर के मींस कि उनका पार्टिकल होता है छोटा छोटा. ठीक है, डस्ट, मिस्ट, स्मोक, ये सारे जो हैं ये भी पोल्यूशन है, लेकिन ये पार्टिकल नेचर की है, इसके अंदर कोई चीज है ज्यादा मसला. या दूसरी चीज, दूसरी टाइप कौन सी है हमारे पास पे, ये जो पॉलिटेंट्स गैशियस होते हैं ना, दिस इज वेरी डेंजरस. मीनिंग के ऑक्साइड्स, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, अगर आप इस किस्म की पोल्यूशन कर दें जिससे सांस ही बंद हो जाए, ये बहुत बड़ा इशू है. फर्ज करते हैं अगर अल्लाह ना करे किसी का कोई कमरा हो, उसमें गैस लीक होती, ये जो नेचुरल सुई गैस आती है हमारे, उस लिहाज से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है. तो उसमें तो सांस ही नहीं ले सकते ना. सो दो चीजें हैं, एक ऐसा
जो कि पार्टिकुलर नेचर का है, जो पार्टिकल टाइप है, एक और है जो गैसियस टाइप है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया, कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द मैटर उस लिहाज से भी दो पॉलिटेंट्स हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो नेचुरल होते हैं, कुछ होते हैं जो एंथ्रोफोनिक, इधर इधर उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, मीनिंग कि वो ह्यूमन एक्टिविटीज से बनते हैं। नेचुरल पॉलिटेंट्स अकर इन नेचर, वो नेचुरल चीजें होती हैं, बस वो मिकदार से ज्यादा हो जाए तो मसला होता है। एक एंथ्रोपोजेनिक, अच्छा एंथ्रोपोजेनिक वर्ड होता है, ठीक है, इन्होंने गलत स्पेलिंग किया, मैं ठीक करा दूंगा। एंथ्रोपोजेनिक पॉलिटेंट्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें साफ एग्जांपल दी हुई है एग्जैक्ट उसके ऊपर, वो कहते हैं नेचुरल सोर्सेज से जो जो मसाइल हो वो नेचुरल पॉलिटेंट्स होते हैं, और ये इंडस्ट्री है और केमिकल प्लांट्स और केमिकल चीजों से होते हैं, इन्हें कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। वी मूव ऑन। अच्छा जी, उसके बाद आ क्या, ओके, अब यहां तक तो हमने सिंपल टाइप्स पढ़ी, एक ही चीज बार बार पढ़ी हमने, पहले पढ़ी बेसिकली कि आप उसकी नेचर के लिहाज से किस तरह हो सकते हैं, फिर मैन मेड, नॉन मैन मेड, क्वांटिटी या क्वालिटी, प्राइमरी सेकेंडरी, सिंपल चीजें। अब हम आएंगे असली बात के ऊपर, और वो क्या बात है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहली वजह कौन सी हमारे पास, गाइस जी एब्सोल्युटली सर, ये जो हमारी ये धुंध होती है, फॉग, ये जो होती है, तो सर ये पार्टिकल में आएगी या गैसियस में, ये पोल्यूटेंट्स में? अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ, आपका दूसरा क्वेश्चन आंसर भी देते हैं, वो फिर बाद में जब भी आए, ये ना हमारी ट्रेन ऑफ थॉट लूज हो जाए, ठीक है। अच्छा, फर्स्टली अब क्वेश्चन ये है कि जो एक होती है, अच्छा गाइस थोड़ा सा इसमें फर्क है, एक होती है फॉग, सिंपल फॉग, फॉग मींस होता है धुंध, मिस्ट, आप कुछ भी उसको कह लें, दैट्स अ सेकेंडरी स्टोरी। तो वो उससे विजिबिलिटी ब्लर होती है, होता वो पानी ही है गैशियस फॉर्म में, ठीक है, वो फॉग होती है, वो काफी पाकिस्तान के काफी इलाकों में भी होती थी, जहां कोहरा पड़ जाए ना, जहां फ्रॉस्ट हो, एबटाबाद है जिस तरह, या नथे के लिए, वहां वो नहीं होते, ठीक है, वहां फॉग नहीं होती। ये एक बड़ा फायदा होता है कोहरा पड़ने का। अच्छा, वो वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं हवा में, वो विजिबिलिटी ब्लर करते हैं, और वो अच्छी चीज होती है, दैट इज लाइक यू एंजॉय दैट इफ यू आर इन देयर, दैट इज कॉल्ड द फॉग। फिर एक मसला, अभी आजकल पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब के मिस्टर इलाकों में, और उसमें स्पेशली लाहौर में, वेयर माई वर्क बेसिकली, वेयर आई एम राइट नाउ, सो वो लाहौर का जो मसला है वो स्मॉग का। स्मॉग का क्या मसला है, वो जो स्मोक होता है ना इधर उधर से, स्मोक और फॉग इकट्ठे होके क्रिस्टलाइज्ड किस्म की चीज बना लेते हैं, और उससे फिर विजिबिलिटी भी पॉजा ब्लर होती है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि जो आप जो एयर इनहेल कर रहे हो उसकी क्वालिटी भी बहुत खराब हो जाती है। अगर आप ना 3-1 hours रहे ना लाहौर में, सिटी में, ओपन एयर में, इसका मतलब आपने 2 cigarette पी हैं। इतना एक पोल्यूशन, इतना एक कचरा, इतना एक स्मोक आपके लंग्स में चला जाता है, इसका मतलब आपने 2 cigarette पी हैं, दैट्स अ वेरी वेरी लॉट, ठीक है। नाउ जो स्मोक का मसला है ना सारे का सारा, अच्छा नंबर वन, फॉग पोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, try to understand this. Fog is a natural thing, और अगर वो एक हाईवे पे किसी को हिंडर कर रही है तब वो पोल्यूशन कंसिडर होगी कि भाई उसने लोगों की विजिबिलिटी मारी हुई है। Fog is a natural phenomena existing only of water particles, that is very possible. जो हमारा अब स्मोक वाला फॉग है, that is called smog, that is obviously particulate in nature, meaning उसके अंदर वो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो उसको करने नहीं देते, उससे ओवरऑल इशू है, ठीक है। अब विच कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन, इफ दैट इज नॉट अ गैशियस इन नेचर, व्हाट इज गैशियस पोल्यूशन? गैशियस पोल्यूशन इज प्राइमरीली दैट यू हैव एक्सटर्नल गैसेस इन द एयर व्हिच डू नॉट लेट यू ब्रीथ। उसका पार्टिकल वो बेसिकली चीज है डस्ट या एक्सेट्रा इस तरह, जो कि आप समझो फिजिकल फिजिबिलिटी को हिंड्रेंस कर सकता हो, उसको हम पार्टिकुलेट कह देते हैं। जो चीज नजर आए उसको पार्टिकुलेट कह देते हैं। एक ऐसी चीज जो नजर नहीं आ रही लेकिन वो माहौल खराब करी है पोल्यूशन का, तो वो गैसियस नेचर के। जी खजर, आप बताएं। सही है सर, यही मैंने पूछना था, हो गया। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो खजर का दूसरा क्वेश्चन था ना, वो इससे भी फिट क्वेश्चन था। खजर ने कहा जी ये एसिड रेन क्या होती है, ये क्या चक्कर चल रहा होता है? सो एसिड रेन होता यह है कि जब ऐसे कंपाउंड जो कि बेशक प्राइमरी हो या सेकेंडरी में, वो एयर के अंदर मौजूद होते हैं,
ठीक है, एयर के अंदर फर्ज करते हैं हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, ठीक है, ऊपर से जब पानी आता है ना तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, H2O और SO2 मिलके बनाते हैं H2SO4, ठीक है, yes sir, that is the most dangerous acid in the world and it's called the sulfuric acid, ठीक है. अब वो सल्फ्यूरिक एसिड ना पानी, वो पानी और वो गैस मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते, वो सल्फ्यूरिक एसिड फिर जहां भी गिरता है ना, ऑन क्रॉप्स, ऑन पीपल, ऑन लैंड, ऑन एनिमल्स, वो उस सब को नुकसान पहुंचाता है, मीनिंग जान से ना मारे तो बीमार जरूर कर देता है, बीमार ना कर सके तो अगर आप वही उन वो सल्फ्यूरिक एसिड रेंज वाली क्रॉप्स आप बहुत अरसा खाएं तो फिर आप बीमार हो जाते, इस तरह वो उससे लॉस्ट जनरेशन लाजमी होती है, उस पोल्यूशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट हार्मफुल ही होता है पॉजिटिवली. अब ये जो एसिड रेन है ना खिजर साहब, ये दोनों केसेस में हो सकता है, मीनिंग ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ भी हो सकती है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के साथ भी हो सकती है, सिर्फ डिपेंड ये करता है कि वाटर किस पॉइंट किस टाइम पे उनको लगा, दूसरा उस वक्त टेम्परेचर क्या था. बाज़ुकात ऐसे होता है कि जो जितनी भी गैसेस होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. सो एसिड रेन कैन हैपन, इफ दिस इज द क्वेश्चन, एसिड रेन कैन हैपन बट बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, बट देयर नीड्स टू बी अ सर्टेन टेम्परेचर ऑन इट और सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गैस इन देयर. ओके अच्छा, अब हम आप कहते हैं जो हम ओरिजिनली पहले बात कर रहे थे कि द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन से, सबसे बेसिक और सबसे पहला जो फैक्टर है वो दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से इफेक्ट करती है किसी भी जगह को, हटवाद के एग्जाम्पल आप लोगों के आगे कि हमारे पास अगर कैपेसिटी किसी सिटी की एक खास सर्टन पॉपुलेशन की है, जबाद की मेरा ख्याल है 3-4 लाख लोग, इस वक्त जबाद में अराउंड 15 लाख लोग, ठीक है. अब एक घर अगर बना था 5 लोगों के लिए, आप उसे 25 लोग रखें, ठीक है, एक वॉशरूम अगर बना हुआ है दिन में 3 दफा यूज होने के लिए, आप उसे 300 बार यूज कर रहे हैं, थिंग्स आर ऑब्वियसली गोइंग टू गो आउट ऑफ हैंड. या फिर ये हो कि आप उस पूरे शहर को डेवलप करें और उसको फिर भी आप उसको उस तरह से रोड्स बने, उस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट के चीजें बने, वो सब कुछ है नहीं, हमारा रूट भी अल्टरनेट नहीं है, अब बड़ी मुश्किल से सीपैक से रूट बना. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू कॉस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड यू डू नॉट हैव इनफ जनरेशन ऑफ मनी टू एक्चुअली रन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट्स, एनीथिंग लाइक दिस दैट कैन बी डन. Now this is where problem start. Basic primary सबसे major reason क्या है, population growth. उसके बाद दूसरा मसला क्या है? Indiscriminate use. जी जी. मेरा disconnect हो गया था net. ये population growth revise करें एक बार. जरूर इंशाल्लाह. Population growth basically ये कि आप किसी भी capacity से ज्यादा किसी भी जगह की, किसी भी शहर की, किसी भी घर की population जब increase करते हैं, तो उस हिसाब से उसके डिपार्टमेंट्स जो कि पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं नहीं इंक्रीज होते, उससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है ओवरऑल उस जगह के ऊपर, उसकी पोल्यूशन बहुत ज्यादा राइज कर जाती है. मीनिंग फर्स्ट करते हैं कि हम अहमदाबाद की एग्जांपल अगर लें तो अहमदाबाद की कैपेसिटी थी हार्डली कोई मत कह लें 2-3 लाख लोगों को रखने की, अब अहमदाबाद की आबादी है अराउंड 15 लाख, ठीक है, और ये भी मैं आपको बड़ा वो फिगर्स बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट बताती है, ये रियल नहीं है, इससे बहुत ज्यादा आबादी है अहमदाबाद. सो व्हाट हैपेंड वाज कि जितने इधर उधर ग्रीन इलाके थे हमारे शिमला पहाड़ी वगैरह के या नमली मेरा के पास या हरनोई भगनोतर ये सारी जगह, वहां पर भी लोगों ने दरख्त काट काट के घर बना लिए, ठीक है, जितना जेरावाद का एरिया है ये बेसिकली जब होता था यहाँ पे पानी होता था नेचुरल,
वो पानी भी खत्म हो गया है, वहां पर भी लोगों ने घर बना लिए, अब पानी नीचे है, फिर पानी की निकासी की जगह इंतजाम नहीं है, ये तमाम चीजें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स पोल्यूशन, ठीक है। सो इफ एनी स्पेस, एनी प्लेस, एनी फिजिकल सिटी और एनी फिजिकल लोकेशन दैट हैज अ सर्टेन कैपेसिटी, बियॉन्ड दैट सर्टेन कैपेसिटी द पॉपुलेशन ऑफ देयर इज मोर, तो आपका रिजल्ट इंक्रीज इन पोल्यूशन होगा, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस, ठीक है। सो दैट इज प्राइमरी पॉपुलेशन ग्रोथ. Wherever in the world, not only in Pakistan, if there is a population growth beyond a certain threshold, the pollution and the environmental effects would actually get very bad there. ठीक है? Yes, sir. अच्छा जी. उसके बाद आ गया indiscriminate use of technology. Indiscriminate use of technology क्या होता है basically? Indiscriminate use of technology होता है कि आप बिल्कुल सोचे समझे बगैर technology use करने शुरू करते हैं. मतलब कि आपने ना फर्स्ट करें, आप कहते हो कि यार हमने बिजली देनी है, हम हर गांव में डिफरेंट खींच खींच के बिजली की तारें लेके जाएं, और बिजली देना सही बात है वैसे, लेकिन आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सोचें और दें तो फिर क्या मसला होगा? आपने देखा होगा हमारा जो सिटी है उसके भी गिरदो नवा में और ओवरऑल इस तरह भी डिफरेंट पहाड़ों में बड़े बड़े खंभे और उनमें इलेक्ट्रिक वायर्स जा रही, वो बिजली देने का ही था सी, और इससे क्या हुआ कि अब एक तो हम वहां से बिजली लेके गए तो वो वहां पे वाइल्ड लाइफ खराब होगी, फिर हमें जो वहां पर दरख्त थे वो भी काटने पड़ गए, और आप फर्ज करते हैं कि ये हमारे बिजनेस आता है सारे का सारा सेंट्रल ग्रिड से, अगर ये सेंट्रल ग्रिड से ना आता तो फिर क्या हो, हमें यूनिट्स लगाने पड़े जो इनको जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह आप लोगों ने अगर शायद देखा हो दासू जो जगह है ना कोस्तान, हम अगर बाद में थोड़ा सा आगे जाए बटाग्राम से पिशाम के आगे, तो वहां पर जो जगह है ना वो उधर डीजल जनरेटर्स हैं और वो यही काम करते हैं। अब आप टेक्नोलॉजी है लेकिन आप उसको बे किसी डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी कंट्रोल के बगैर यूज करना शुरू कर दें। सिमिलरली अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने सुजुकी बनाई हुई है, सुजुकी भी पिकअप की बात कर रहा हूँ, अब एक खास कैपेसिटी थी ना अहमदाबाद में पिकअप होने की, अब वो इतनी ज्यादा पिकअप है, उनसे इतना ज्यादा धुआं निकलता है कि अब अहमदाबाद का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी लो है। इसी तरह आप कोई भी और सिटी के एग्जांपल ले लो पाकिस्तान में, उसके अंदर एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, दूसरा कि हमने इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की के ऑफ टेक्नोलॉजी के, मतलब हमने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज की कि उसका इतना बेतरेग इस्तेमाल किया कि उससे हार्मफुल इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। अब ये मैं बातें कर रहा हूँ एग्जैक्ट हमारी, फर्स्ट कहते हैं अगर आप बातें करो किसी और जगह की जहाँ इंडस्ट्रियलाइज जोन हो, तो उन्होंने आप कहा कि जी सिटी की कैपेसिटी थी यहाँ 3 भट्टे लग सकते थे, आपने कहा नहीं यार ज्यादा पैसे कमाने आपने 6 लगा लिए, ठीक है, या आपके पास 3 टेक्सटाइल की मिल्स लग सकते हैं, आपने कहा यार ये सही नहीं है हम पैसे ज्यादा कमाना चाहते हैं हम 6 कर देते हैं, आपने उससे उसके बोझ से ज्यादा टेक्नोलॉजिकली यूज किया ना, उससे बहुत ज्यादा मसला होता, ठीक है। और वैसे मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात, ये आप लोग नोट कर लें, ये कहीं भी यूज हो सकती है। इंडिस्क्रिमिनेट टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना इस वक्त मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड और पुराने वर्ल्ड में वो ये है कि ना वाईफाई के सिग्नल्स है ना, वाईफाई के सिग्नल्स से मक्खियां, शहद की मक्खियां मरती हैं, और शहद की मक्खियों के अलावा पॉलिनेशन नहीं हो सकती, शहद की मक्खियों के अलावा क्रॉप्स नहीं बन सकती, शहद की मक्खियों के अलावा या इंसेक्ट्स के अलावा नहीं हो सकते फ्रूट्स बन सकते। तो अगर आइंस्टीन ने भी कहा था कि अगर ना शहद की मक्खी खत्म हो जाए दुनिया से तो 4 सालों में ह्यूमंस खत्म होंगे, 4 इयर्स, ठीक है, और वाईफाई के यूज से बहुत ज्यादा बीज मरती हैं, ठीक है। सो अब यही है, हर घर में वाईफाई है, हर बंदे के पास वाईफाई है, हर बंदे के पास डाटा है, वो और यूज करना चाहता है, तो फिर वो नेचुरल चीजें मरती जा रही है। दिस कैन बी अ गुड एग्जांपल ऑफ इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया मतलब जी कैसे, मतलब सिग्नल से कैसे सर मर सकते हैं, ये कोई हार्मफुल रेज निकलती है ये? हाँ ब्रो, असल में इस तरह होता है वो किसी अपनी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, इस तरह को उनके अंदर भी कोई वाइब्रेटर्स होते हैं ना जो आवाज आती रहती है उनसे हर वक्त वो, और पता नहीं जो रिसर्च है वो इसी तरह कुछ है, एग्जैक्ट मुझे भी रीजन नहीं पता, वो और जो वाईफाई की फ्रिक्वेंसी की रेज है ना वो आपस में कोई मैच कर जाते हैं तो मक्खी लॉस्ट हो जाती है, उसको रास्ता नहीं मिलता, इस तरह का कोई चक्कर है, या उनको पता नहीं पसंद नहीं आती वो वाईफाई वाली जगहों के पास से चली जाती है। तो अब इतना पूरे दुनिया में वाईफाई के सिग्नल्स हैं उसी 440 किलोहर्ट्ज़ जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, तो उस पे ही
इशू है लेकिन है सही, जहां पे भी वाईफाई का यूज ज्यादा कर दे क्वांटिटी, उधर से वो मक्खियां माइग्रेट कर जाती हैं या फिर मर जाती अगर उनको ट्रैप कर लेंगे सीधा। सो कोई इशू है, लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पे बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में, शायद की मक्खी का मसला है। ठीक है, अब जो एग्जैक्ट रीजन है मुझे भी पता अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, कि अंदर साइंस क्या होती है मरती क्यों। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं अनमाइंडफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। गाइस, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद दिस विद आवर कंट्री प्राइमरीली। वो क्या बात है जी, आप एक्सप्लोरेशन नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करते हैं इतने अनबुरे तरीके से कि पीछे कुछ रहता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहते हो कि यार जो पाकिस्तान में ना जो पूरी नॉर्थ है ना, जितना मोस्ट पार्ट ऑफ केपी एंड देन मोर पार्ट ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ जीबी गिलगित बल्तिस्तान, दैट इज ऑल ऑन रोड, उधर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है। अब लैंडस्लाइडिंग के लिए आप क्या करते हो, आप टनल्स बना लेते हो, लेकिन टनल्स में अब नेचुरल जो वे होता है उसमें पानी ने भी नीचे आना होता है, उसमें पानी ने भी यूज होना होता है। जब आपने कॉन्क्रीट की टनल बना दी, बड़ी अच्छी टनल बनी हुई है आपके बाहर जाते, पानी तो अब फ्लो नहीं कर सकता ना उसके अंदर से या उसके साइडों से या उसके कहीं से भी। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, आपने वाटर वे रोक दिया अपने एक्सप्लोरेशन के लिए। सिमिलरली, अगर कहीं पे ग्रेनाइट था या कहीं पे मार्बल था, आपने इतना ज्यादा वो निकाला कि जो मार्बल या ग्रेनाइट के इफेक्ट्स ने उधर वाइल्ड लाइफ को मैनेज किया हुआ था वो खत्म हो गई। उससे बड़ी एग्जाम्पल, सबसे बड़ी क्या, इतने हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं सिरन में और चित्राल में और स्वात में एंड सो ऑन सो फोर्थ, अब यूबी नेशनल पार्क भी है, उस सारे में आपने कहा कि नहीं यार मिस कराते हैं, हम काट के इसकी लकड़ी को कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं, मकड़ी होती भी बहुत महंगी है, उसका रेडी बहुत ज्यादा। सो ऑल ऑफ दीस कम अंडर द एक्शन ऑफ अनमाइंडफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपको जो नेचुरल रिसोर्स मिला उसको आपने यूज करने की बजाय इतना अब्यूज कर लिया कि उससे बहुत ज्यादा मसाइल हो। ठीक है, अच्छा, हैविंग सेड दिस, हम आगे चलते हैं जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी ऐसे ही होता है, जितनी इंडस्ट्री ज्यादा लगती है उतनी पोल्यूशन ज्यादा होती है। उसमें मसला यह है कि आपका जो कंटामिनेशन होती है, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, वो पानी को भी गंदा करते हैं जो आप डिस्पोज करते हो, और उसके अंदर से जो धुआं निकलता है वो एयर को भी खराब करता है। और मोस्टली ऐसे होता है कि आपके प्लांट से, आपकी चीजों से जो गैसेस निकलती हैं वो भी बहुत हार्मफुल होती है। अब सबसे छोटा इंजन कौन सा होता है दुनिया में, गाड़ी का, गाड़ी के इंजन से भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैसेस निकलती हैं, दे आर वेरी हार्मफुल इन नेचर। इंडस्ट्री में तो जितने भी चीजें होती हैं वो इससे अबव ग्रेड की होती हैं, उनका पोल्यूशन का लेवल भी इससे अबव ग्रेड का होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे जी दो प्रॉब्लम्स, एक आ गया इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, और फिर आ गया एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या होता है कि आपको समझना है कि यार इतना कचरा है इसका करना क्या है। अहमदाबाद की एंट्री पे सलहट के पास ना एक प्रॉपर बड़ा सा ढेर है, वहां कचरा ही कचरा है। वो लोकल बॉडीज को, लोकल गवर्नमेंट्स को, ओवरऑल गवर्नमेंट नेशनल एंड प्रोविंशियल, उनको ये सेंस ही नहीं है इसका करना क्या है। ठीक है, इसका करें क्या, अब किसी अगर साइट खोद के डंप कर दें तो ये वैसे आरजी हाल होता है, फ्यूचर में क्या करेंगे, हर खोद के कचरा ही डंप करेंगे। मटेरियल्स ऐसे होने चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, और काफी सॉल्यूशंस हैं, उनपे हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में आते हैं, दैट्स डिफरेंट। बट इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट का बेसिकली मसला ये होता है कि वो लैंड कवर करता है, दैट लैंड कैन बी यूज्ड वाज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उनके लैंड की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा होती है, वहां पे आप ऑफिसेज बना सकते थे, कोई एग्रीकल्चर कर सकते थे, कोई जंगल उगा सकते थे, वो सारे का सारा आपके सॉलिड वेस्ट ने ले लिया। ठीक है, लास्ट चीज आ गई गाइस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ये बड़ी अजीब सी बात उन्होंने लिखी हुई है, मगर ये बिल्कुल सही बात है। सो व्हेन द मैन बाय द डाउन ऑफ ह्यूमैनिटी, लोगों ने कहा यार कि फार्मिंग की जगह कम है, इसलिए दरख्त काट काट के खेत बनाते हैं। ठीक है, आपने जंगल काटे या आपने जंगलों को आग लगा दी, आपने कहा यार ये जगह जो है यहाँ फार्मिंग करेंगे और यहाँ पैसे कमाएंगे, पैसे तो उस वक्त इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग कहते यार खुद खाने के लिए अनाज उगाएंगे वैसे। उससे क्या हुआ, जब आपने दरख्त काट दिया, दरख्त जला दिए, तो उससे सारे का सारा जो वाइल्ड लाइफ था वो डिस्टर्ब हुई, जो आप लोगों की चीजें थी वो डिस्टर्ब हुई, जो जमीन क्रोजन नहीं होती थी वो डिस्टर्ब हुई, फिर जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है दरख्तों की वजह से वो मेंटेन रहा, फिर दरख्त जो कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को प्योरीफाई करते थे वो खत्म हुआ। ये बहुत ज्यादा मसाइल हैं। ठीक है,
ये सारे के सारों ने जन्म लिया सिर्फ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के होते हैं। ओके, वी हैव राइट अराउंड 2 minutes and 30 seconds ऑफ दिस वीडियो कॉल लेफ्ट। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, आस्क द क्वेश्चंस। उसके बाद मैं दोबारा भी लिंक भेजता हूँ, फिर हम दूसरी चीज पे आते हैं। आज हमने इतना ये वाला पढ़ना था, अब हम दूसरा पढ़ेंगे जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा तलाल के लिए भी, वो दैट इज दी वो जो एवरीडे साइंस के अंदर से, सॉरी एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर से ना, जनरल साइंस का जो हम पोर्शन करते हैं, ठीक है। तो आर देयर एनी क्वेश्चंस गाइस, कुछ बात समझ आई? पोल्यूशन किस तरह से होते हैं, पॉलिटेंट्स किससे डिवाइड होते हैं, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? सर ये मैंने ये पूछना था कि जो हम डिफॉरेस्टेशन देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में लाएंगे या एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन दुनिया में आ चुका है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन दुनिया में आ चुका है। पहले सर लोग भूखे मरते थे ना और हंट करके खाना खाते थे, और हंट करके खाना खाते थे। फिर क्या हुआ, लोगों ने कहा यार उगा के खाना खाते हैं, हंट कुछ होता है। That time is called agricultural revolution. There is a certain part in human evolution that is called the agricultural revolution. वो आ चुका है। उससे लेकिन मसला ये हुआ था कि सारे लैंड डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब डिफॉरेस्टेशन का जो मसला है ना, that is not driven towards agriculture. अब deforestation is more driven towards having the wood that was in the forest, having the log itself. ठीक है? So agriculture, अगर कोई बंदा इसलिए सिर्फ जंगल काटता है कि मैं इधर खेत बनाऊंगा, that might come under agricultural revolution. However, agricultural revolution का एज आ चुका है, अब लोग ये बात नहीं करते, ये काम बहुत मुश्किल है दुनिया में, ठीक है? So that is the case. तलाल आप बताएं, you were about to ask something. सर मैं ये पूछ रहा था सर, ये जैसे आप ये बता रहे थे कि जंगल वगैरह ये काट रहे, सर सॉरी आई एम, सर आवाज आ रही है मेरी? एब्सोल्युटली आ रही है, आप बताओ। सर ये जिस तरह सर आप कह रहे हैं कि वाईफाई की रेस है सर, ये बीज वगैरह ये मर रही है, और इसके अलावा बहुत सारे इंसान खुद भी, अगर इस 4 साल बहुत सारे अगर ये ना रही तो इंसान भी खुद भी मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो सर ये तो फिर वाईफाई तो सर अब हर जगह पे आ रहा है, तो सर ये इसका सर कोई सलूशन तो सर हम लोगों के पास नहीं है इस तरह का? फिलहाल एक सलूशन है, वो मैं इंशाल्लाह बताता हूँ अभी हम लेक्चर शुरू करते हैं ना। अब वो हमने तो नहीं किया हुआ, जो लोग सही जिनकी अकल है वो कर रहे हैं, ठीक है? बड़ा कुछ है यार, आई टेल यू इंशाल्लाह वेरी शॉर्टली, ठीक है? अभी फिर मैं कुछ स्लाइड्स कोशिश करता हूँ ग्रुप पर शेयर कर दें, उससे पहले आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिएगा।